दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में धोनी का सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संन्यास लेने का फैसला न किया हो, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 15 सितंबर से धर्मशाला में शुरू हो रही भारत की 3 मैचों की T20 घरेलू श्रृंखला की टीम में उनके चुने जाने की संभावना नहीं है। श्रृंखला के लिए टीम का चयन 4 सितंबर को होने की उम्मीद है। अन्य 2 मैच मोहाली जो 18 सितंबर और बेंगलुरु जो 22 सितंबर में खेले जाएंगे। पूरी संभावना है कि वेस्ट इंडीज को 3-0 से हराने वाली टीम को बरकरार रखा जाएगा। टीम चयन के लिए चयन समिति अक्टूबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले विश्व T20 को ध्यान में रखना चाहती है। BCCI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को PTI से कहा कि विश्व T20 के पहले मैच से पहले भारतीय टीम केवल 22 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी और चयनकर्ता स्पष्ट हैं कि यह आगे बढ़ने का समय है। उन्होंने कहा कि वे सीमित ओवरों के लिए विशेषकर T20 के लिए 3 विकेट कीपरों का पूल तैयार करने की योजना बना रहे हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि BCCI अधिकारी या चयन समिति उनकी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए धोनी से बात करेंगे या नहीं, जैसा कि उन्होंने वेस्ट इंडीज दौरे से पहले किया था, जब पूर्व कप्तान ने सूचित किया था कि वह प्रादेशिक सेना में अपनी रेजिमेंट के लिए काम करने के मद्देनजर ब्रेक लेना चाहते हैं। अधिकारी ने कहा कि संन्यास लेना व्यक्तिगत फैसला है और चयनकर्ताओं को या फिर किसी को भी इस पर फैसला करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उनके पास 2020 विश्व T20 के लिए रोड मैप तैयार करने का पूरा अधिकार है और इसके अंतर्गत ऋषभ पंत को ज्यादा से ज्यादा मौका देना शामिल है। पता चला है कि चयन समिति का दूसरा विकल्प ईशान किशन और तीसरा विकल्प संजू सैमसन होंगे। सैमसन की बल्लेबाजी पंत और भारत ए के नियमित खिलाड़ी ईशान किशन के बराबर मानी जाती है। पंत सभी प्रारूपों में पहला विकल्प बने रहेंगे क्योंकि चयनकर्ता फिटनेस और कार्यभार प्रबंधन को भी ध्यान में रखेंगे। चयन समिति के कुछ सदस्य ए श्रृंखला के लिए तिरुवनंतपुरम में रहेंगे और सैमसन के प्रदर्शन को देखेंगे क्योंकि उन्होंने अंतिम 2 लिस्ट ए मैचों के लिए टीम में जगह बनाई है। जहां तक बल्लेबाजी का संबंध है तो चयन समिति का मानना है कि सैमसन शीर्ष स्तर के क्रिकेट के लिए तैयार हैं क्योंकि उनकी विकेट कीपिंग में अब भी सुधार हो रहा है। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप जियो न्यूज को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए।